This is your host Samar Joshi from the Sporty Podcast and second test is here. कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट होने वाला है और इट्स इन नन अदर देन लॉर्ड्स टेस्ट. लेट्स टॉक अबाउट द वेदर, लेट्स टॉक अबाउट द पिच रिपोर्ट की पिच किस तरह है. हमको डायरेक्ट इंग्लैंड से पिच का फोटो मिला है. विल टॉक अबाउट द पिच, उस हिसाब से टीम कैसे बिल्डअप करना है उसके बारे में बात करेंगे बहुत कुछ इस वीडियो में. सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गो. लेट्स टॉक अबाउट द वेदर फर्स्ट. वेदर फोरकास्ट मैंने चेक किया, दो तीन अलग अलग वेबसाइट से चेक किए और वेदर फोरकास्ट काफ़ी क्लियर है, काफ़ी गुड न्यूज़. माइकल वॉकर ने ट्वीट भी किया कि वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है. फर्स्ट फोर डेज देर इज नो रेन एक्सेप्ट फिफ्थ डे में रेन का प्रेडिक्शन है वेदर के हिसाब से, बट वी कांट ट्रस्ट दैट बिकॉज पिछले टेस्ट में भी ऐसा बोला था कि पहले दो तीन दिन में बारिश होगा और आखिरी दिन में नहीं होगा और फिर आखिरी दिन भी वॉश आउट कर गया. So the weather will do that. Let's jump into the pitch report directly. The pitch report is that there were several sources and there were tweeted images saying that it is going to be a green top pitch or pitch pe grass hai. Now, what does that mean? Green top matlab pitch mein obviously there is some grass and there is a lot of grass as of now, but the curator wo grass ko cut karenge. But green top rahega, that is for sure. Now, iska matlab green top hai, iska matlab seamers ke liye it will be the perfect condition. इट एज लॉर्ड्स ऑब्वियसली पहले हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो पहले तीन दिन सीमर्स के लिए परफेक्ट पिच है और फिर आखिरी दो दिन स्पिनर्स को असिस्ट करता है ये पिच. सो एज ऑफ नाउ इट्स अ ग्रीन टॉप पिच, दैट मीन्स वेरी गुड फॉर स्पिनर्स एज वेल एज पेसर्स. हम हमारे पैटर्न से गए तो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था, जून में ही हुआ था, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड जो ड्रॉ हुआ था. हाई स्कोरिंग मैच था, अच्छा मैच था. सो आप स्कोर कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो ये एक आखिरी मैच था. And talking about this match, let's talk about the team. Team के पहले ये एक stat है कि India has played 18 tests Lord में और यहाँ पे सिर्फ दो बार जीता है, 12 बार हारे हैं, दो बार जीते और चार बार ऑफकोर्स ड्रॉ हो गया है. सो इंडिया का रिकॉर्ड लॉर्ड्स में काफ़ी अच्छा नहीं है. 2014 और 1997 में एक बार जीते थे. सो 18 में सिर्फ दो जीते हैं इंडिया. सो इंडिया विल बी लुकिंग टू बाउंस बैक एंड डू वेल. टीम के बारे में बात किया तो शार्दुल ठाकुर इंजर हो गए हैं. बैड न्यूज फॉर इंडिया एक्चुअली बिकॉज दे नीडेड हिम. दे आर टू कंटेंडर्स एक्चुअली, रविचंद्रन अश्विन एंड ईशांत शर्मा मे रिप्लेस. मुझे क्या लगता है, ऑफकोर्स ईशांत शर्मा रिप्लेस करेंगे क्योंकि विराट कोहली ने पहले टेस्ट में रखा था कि 4+1 फॉर्मेट रहेगा, चार पेसेस जरूर खेलेंगे. सो ईशांत शर्मा माइट रिप्लेस शार्दुल ठाकुर, बट वी कांट से रविचंद्रन अश्विन खेल सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ आई थिंक ईशांत शर्मा टेक्स द प्लेस. और इंग्लैंड का बात किया तो स्टुअर्ट ब्रॉड हैज बीन इंजर्ड. तो मुझे लग रहा है स्टुअर्ट ब्रॉड के बदले मोइन अली खेल सकते हैं कंसिडरिंग द पिच का कंडीशंस, बट दे माइट रिप्लेस हिम विद अ पेसर एज वेल. सो दिस वाज व्हाट आई थॉट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऑल्सो लियोनेल मेसी इज इन पैरिस एंड लुकाकू इज इन चेल्सी. यू विल बी गेटिंग अ फुटबॉल वीडियो वेरी सून, कीप वेटिंग फॉर दैट. दिस इज योर होस्ट समर जोशी साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्पोर्टी पॉडकास्ट.